तो ममता जी, जयपुर दूरबीन के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आप बताएंगे आप कहाँ से हमारे पास पधारे हैं। मैं से रहने वाले तो सीकर रिवर्स की हूँ, लेकिन मारो थाने में नागौर जिले में प्रतिस्थापित महिला कांस्टेबल भी हूँ। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ थी? मेरे क्या पेट में 12 महीने से गांठ थी, उसके बाद में कई बार प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन मुझे डर लगता था ऑपरेशन कराने से। कई सीकर भी गई थी मैं, लेकिन वहां भी मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं कुछ हो नहीं जाए। अच्छा, फिर उसके बारे में मेरी जो नान दी है, यहाँ पे पहले भी करवा चुकी है 2 साल पहले, उसने मेरे को आपके बारे में बताया कि मैडम की मामी तो डर मत, मैंने भी वहाँ ऑपरेशन करवाया, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं भी वहाँ चलूँ। फिर यहाँ आई और फिर मैंने आपसे बात की तो मुझे तसल्ली हो गई कि यहाँ पे अच्छा ऑपरेशन होता है और अच्छा होके ही जाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ऑपरेशन से पहले कोई दिमाग में कुछ डर किसी हाँ, प्रकार पहले का डर कुछ था, ख्याल आ मैं रहे होंगे? ऑपरेशन से पहले बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना सुई का भी डर लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं आपका है। एग्जैक्टली ऑपरेशन क्या हुआ है? बच्चेदानी निकालने वाला? बच्चेदानी निकाले, उसके ऊपर गांठ थी तो अच्छा, बच्चा डर गया। बच्चेदानी की गांठ और बच्चेदानी हाँ दोनों जी, निकाली गई है। तो दोनों। महिलाओं के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब बच्चेदानी निकाल देते हैं तो उसके बाद पेट में कुछ खाली जगह महसूस होती है, या ऐसा कोई दर्द होता है, या कोई नहीं, तकलीफ नहीं आती है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये भ्रम है लोगों का। और जो गांव की औरतें हैं उनको ज्यादा है, क्योंकि उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। मुझे भी था, लोग कई औरतों ने मुझे भी कहा था कि ऐसा होएगा, खाली जगह बन जाएगी, बच्चा जाने के बाद औरत में शक्ति नहीं रहती है, औरत की शक्ति बच्चे जाने थे। लेकिन मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ऐसा लग रहा है ऑपरेशन के बाद आपको कमजोरी महसूस हो नहीं रही है नहीं या कोई बिल्कुल भी तकलीफ हो रही नहीं है, है? न मेरे को कमजोरी लग रही है, न मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं। और ऑपरेशन कराया आज कितने दिन हो गए? तो 7 दिन हो गए मेरे। आज आप आए थे, तो आज आपका मतलब 7 दिन के अंदर आपको कैसा लगा कि भाई ऑपरेशन के बाद आपको कोई तकलीफ परेशानी कुछ? नहीं मैडम, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पहले जैसे खा रही हूँ, पहले जैसे घूम रही हूँ, पहले जैसे दौड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि आपको ऑपरेशन हो रहा है तो आपको बोलते होंगे ना अंदर जाके बैठो, आराम हाँ करो, बिल्कुल घूमो बोलते फिरो हैं, मत। लेकिन ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसे रिलैक्स मिलता है, और जो डर पे आता है ना उसको भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद तसल्ली से आराम से जा सकता है आदमी। अब वो खाने पीने में कोई तकलीफ लग रही है नहीं कि मैडम भाई? कुछ नहीं है, खाने पीने में न डोलने फिरने में, पहले जैसे खा रही थी साधारण खाना वैसे ही खा रही हूँ, और पहले जैसे घूमती थी वैसे ही घूम रही हूँ। तो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन कराया है, तो उसके बारे में अब आपका क्या ख्याल है मैं तो ये लोगों? कहती हूँ, मुझे तो जो भी कोई पूछेगा ना, मैं दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगी, कहूंगी कि जिसको भी कराना है बच्चादानी या और संबंधी जो भी ऑपरेशन है, तो दूरबीन हॉस्पिटल में जाइए, सुशीला जी सैनी से ऑपरेशन करवाइए। आप खुश हैं? हमारे आप स्टाफ ने आपकी अच्छी सेवा करी? हाँ खुश है, आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करता है। चल, आप बताएंगे कुछ? 1 मिनट, आ जाओ आ जाओ, आप ही तो लाए हो इनको, तो क्रेडिट तो आप ही को जाता है सारा गाइडेंस का, क्योंकि किसी इंसान को सही गाइडेंस मिलती है और आगे भी आपको ऐसा ही काम करते रहना है। यस मैम, मेरा तो मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया यहाँ पे कि मैं खुद ही डर रही थी इन सब चीजों से, लेकिन मैं निश्चिंत होके यहाँ से गई हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सोचती परेशान होंगी, लेकिन नहीं, तो आराम रहा आपको सब बहुत कुछ? आराम रहा मैम। मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी चलो अच्छी आज बात। तक तकलीफ तो अब नहीं आई आगे मेरे को। जाके एक काम और करना है, अपने यस गांव मैम, में जो लेडीज जाती हैं ऑपरेशन यस से मैम, इलाज नहीं बिल्कुल कराती हैं और अपना घर बीमारी बढ़ाती रहती हैं, उनका अवेयरनेस का जिम्मेदारी अब आपकी है। जो आप कह रहे हो मैम। ना कि लोगों को, गांव की औरतों को पता नहीं होता, तो हाँ पता करवाना अब आपकी नहीं, जिम्मेदारी हाँ है। यस मैं तो मैम, पहले बोल मैम ये रही थी, मानिए अगर यहाँ पे कोई आता है तो मैम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाए कि मैं मैम से ऑपरेशन करना है बस। मैं थैंक उनको यू। पहले भी बोल रही थी कि मैं वहां जाऊंगी ना, कोई भी बोलेगा तो मैं उसको इन्होंने यही मेरे से पूछा, बोलूंगी। कईयों ने मेरे से पूछा मैं आप ही के लिए बोलती हूँ मैम। ऐसा कुछ नहीं है मैम, यहाँ पे आने से बिल्कुल इतना चाहती, 2nd डे नॉर्मल मतलब चलो, ऐसा कुछ नहीं है और कि इसे भाई कई जगह तो चीरा रेस्ट फाड़ा आता है ना, करो। वो चीरा फाड़ा भी नहीं है हाँ, यहाँ ये पे। भी हमें पूछते हैं लोग, है ना, कि हाथ वाला ऑपरेशन अच्छा है या दूरबीन वाला ऑपरेशन मैम अच्छा है? दूरबीन वाला, तो ये दूरबीन आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आप कुछ 2 वर्ड बोलेंगे कि भैया दूरबीन वाला क्यों अच्छा है, क्या फीलिंग लगी आपको? चीरा नहीं लगा, हाँ दर्द दूरबीन नहीं वाला हुआ? अच्छा है, दूरबीन वाला अच्छा है, अच्छा, दूरबीन वाला बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच।